दीवाना दीवाना ये दिल। यहाँ पे बारिश पूरा देने का कारण हम लोग वीडियो पूरा नहीं कर पाए हैं। वहाँ पे आप देख बीच रास्ता में हम लोग चलते चलते ये पानी फटने वाला दिखा है, इसलिए हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो रहेगा पार्ट टू। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर चुका है 2-3 दिन पहले। अगर उस पार्ट वन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी देख लीजिए। हर जगह में पूरा फोगी फोगी हो गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा हिल टॉप में ये मेरा गैंग। हिल टॉप में और क्या था? हिल टॉप में बेस टॉप में लेस टॉप में क्या था? वो त्रिपुरा का। चलो ना खींचो ना वास को गाइस करना है यहां में तो। अरे अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो ऊपर में ये लोग अभी भी फोटो ले रहे हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो चलो वापस आ। हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। तो मजा ले रहे हो, एक दिन मत करो। हाँ चलो यहाँ पे देगा। पहाड़ में ये बंदर का तरह बारिश लगातार दे रहा है, फिर भी चल। तो आगे में भयानक से रास्ता ब्लॉक हो चुका है यहाँ पे, तो शायद हम लोग यहाँ से पार नहीं कर पाएगा। इतना ज़बरदस्ती भी नहीं है तो यहाँ से वापस जा सकते हैं। वो लोग देखने के लिए चला गया, तो वहाँ में स्कॉर्पियो भी एक फंस गया, तो हम लोग यहाँ में रुका है। कोई नहीं, अगर पार कर सकता है तो यहाँ से पार करेगा उधर। अगर पार नहीं कर पाएगा तो हम यहाँ से लौट जाएगा। अभी रास्ता साफ कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है यहाँ में, स्कॉर्पियो का चक्का भी पूरा बर्बाद हो गया या स्कॉर्पियो फंस चुके हैं। तो ये स्कॉर्पियो को कैसे करके निकालने से होगा, हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे निकलेगा दिखता हूँ, थोड़ा मदद कर देंगे। अभी ऊपर से और भी ज़्यादा पानी आ रहे हैं, बारिश और भी भारी से दे रहे हैं, उसकी वजह से अभी फिर इसको ब्लॉक कर चुका है। तो फाइनली हम लोग ने स्कॉर्पियो को तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ में बहुत सारा लोग फंस के बैठा हुआ है, वो अभी तक सफा नहीं किया हुआ है, हटाया नहीं। यहाँ बहुत सारा लोग पूरा गाड़ी लाइन में बैठा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग आगे की ओर नहीं जाते रहेगा। कम से कम एक स्कॉर्पियो को तो मदद कर दें, उसके बाद में फिर अभी लौट कर जाने में बेहतर है। एक्चुअली हम लोग आगे भी जाना था, मगर बाई चांस हम लोग ये अभी पार कर लिया, लेकिन फिर बाद में लौटते वक्त फिर इसको बंद करके मिलेगा तो हम लोग के लिए दिक्कत होगा, हम लोग के लिए दिक्कत होगा, तो हम लोग अभी लौट कर ही जाना पड़ेगा। तो बिक गया हम लोग। तो हम लोग अभी लौट जाएंगे, आगे आगे नहीं पीछे। तो अभी हम लोग पासीघाट लौट चुके हैं। अगर हम लोग ब्रिज पे रुका है अभी यहाँ का व्यूज़ दिखाने के लिए, तो यहाँ का व्यूज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। यह तो काला से दिखाई दे रहा है ये साइड पर, वो जो ऊपर में जो हम लोग ने दिखाया था नीचे आके कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ से पानी बहुत बड़ा हो चुका है, लगातार 2 दिन बारिश देने का कारण। अभी शाम का 4 बज चुके हैं, हम लोग छोटा सा सियांग रिवर का सामने वाला रिजॉर्ट में आए हैं। बस
से बैठने। दिन भर बारिश था, अभी थोड़ा सा बारिश रुक गया, उसके बाद आज बारिश था फिर भी हम लोग घूमाए, घूम के फिर यहाँ पे आए हुए फ़ोटो शूट के लिए। अभी फ़ोटो थोड़ा शूट कर लेगा। वो बादल वगैरह, बादल हट जाने से बहुत सुंदर दिखना था, मगर अभी भी बादल है। वो वाला पहाड़ आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। पानी काफ़ी बड़ा हो चुका है बिकॉज लगातार सुबह से बारिश दे रहा था, उसकी वजह से। ये रहे छोटा छोटा हट रिजॉर्ट, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। अभी शाम हो चुका है तो वीडियो में उतना खूबसूरत नहीं आ रहा है, इतना सुंदर नहीं आ रहा है। मैं नदी का किनारा जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है। यहाँ पे भी आते हैं, वहाँ पे मछुआरा लोग मछली मार रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ये वाला ब्रिज में था जो आप देख पा रहे हैं, वहीं पे वहाँ से व्यूज दिखाया था आप लोगों को। ये वाला हट में देखेंगे हम लोग सुबह से हम लोग बारिश में भीग भीग के घूमे, दिन भर घूमे, तो अभी पूरा अनफ्रेश हो चुका है हम लोग। अभी घर तक घर वापस नहीं किया हम लोग। हे देखिए देखिए, बीच रास्ता में क्या मिला है हम लोग को, ये देखो। यहाँ कोई पाइप वाइप नहीं है, पाइप लाइन नहीं है, मगर अंदर से पूरा फट के निकला है पानी, बहुत बढ़िया। पता नहीं एग्जैक्टली है क्या ये, जियो थर्मल एनर्जी तो नहीं है हम लोग का जगह में, वैसे भी ये सब तो नहीं निकलेगा। क्या बात है, थोड़ा तो कंफ्यूजन वाला बात है ये, यहाँ तो पाइपलाइन है नहीं, पता नहीं कहाँ से निकला है। सब यहाँ से फोटो लेने के लिए बीच रास्ता में चलते चलते, यहाँ पे बारिश पूरा देने का कारण हम लोग वीडियो पूरा नहीं कर पाए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं इतना मज़ा, वाटरफॉल था वहाँ से। और ये ब्रिज देखो पानी भर चुका है, फिर भी हम लोग नहीं रुके हैं। वो पानी आप देख सकते हैं, अगर ये बादल हट जाता और बारिश नहीं देता तो बहुत मज़ा व्यूज आता, आप देख सकते हैं इतना मज़ा था। पता नहीं मेरा आवाज़ भी आ रहा है नहीं आ रहा है, पानी पूरा भर चुका है ब्रिज के बीच। यहाँ का नज़ारा बादल का वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता में तो हम लोग चलते चलते वीडियो नहीं कर पा रहे हैं। तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा इसलिए इतना ही करेगा वीडियो। वो वाला ब्रिज में था हम लोग, फिर यहाँ से आ गया। वो देखो वहाँ क्या देख रहा है, आप लोग देख पा रहा होगा वाटरफॉल। बारिश का वजह से पूरा काँप गया हाथ भी, वीडियो भी पूरा स्टेबल नहीं हो पा रहे। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब ये क्या था, बहुत सुंदर दिखना था। टू साइड में भी छोटा छोटा वाटरफॉल, दीवाना ये दिल मस्ती तो नहीं, तो मैं क्यों मस्ती नहीं करेगा।
यहाँ का व्यू तो क्या ही बोलेगा, सब्जी नहीं है, वह सब्जी कम पड़ गया, शायद फोन भी हैंग हो सकता है। फिर भी रिस्क लेके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप सबके लिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग हर सीजन में ट्रिप प्लान किया, उसके वजह से वीडियो अच्छा से नहीं ले पाया। एक्चुअली हम लोग रास्ता बहुत मज़ा जगह मिला था और ऐसा अच्छा वाटरफॉल मिला था, मगर हम लोग जो वीडियो नहीं कर पाए। अभी भी पूरा बारिश में हम लोग वीडियो कर रहे हैं, हम तो शायद फोन हैंग होने का चांसेस भी बहुत है। ये पता नहीं ये कौन सा ब्रिज है, ये ब्रिज पार कर चुके हैं हम लोग, बहुत लंबा था, बोगी भी ब्रिज का इतना था। यस व्हाट्सअप, चलिए चलते हैं। चुके हैं अभी, ये रहे वेलकम गेट, वेलकम टू रोइंग। रोइंग में अभी थोड़ा सा रुकेगा हम लोग, अभी यहाँ रुक के लंच वंच करेगा, तो अभी फिलहाल यहाँ पे रुके हैं अभी टैंग लीफ होटल में। तो फाइनली काफ़ी लंबा सफ़र के बाद में अभी पहुँच चुके हैं हम लोग धौला सदिया सेतु में, और आज का वीडियो इतना में समाप्त करेगा क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होने का कारण हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, तो इतना में ही समाप्त करेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के और अपना दोस्त समझ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।